नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमने इंटेल कोर i5 विथ मदरबोर्ड एंड रैम का कॉम्बो अमेज़ॉन से ख़रीदा है जो करीब 10,000 की कीमत का है। मतलब कि 10,000 रुपीज़ में हमें प्रोसेसर, मदरबोर्ड और रैम तीनों मिल जाते हैं जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड एंड टेस्टेड है। आज हम इस कॉम्बो का अनबॉक्स और टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इस कॉम्बो में अगर हम अलग से SSD और डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड लगा दें तो लेटेस्ट गेम भी हम बड़ी ही आसानी से 60+ FPS पर खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा स्कैम भी है इस कॉम्बो में, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। पैकिंग काफ़ी अच्छी है। अंदर हमें ज़ेब्रोनिक्स मदरबोर्ड का बॉक्स मिल जाता है। ये वही मदरबोर्ड का बॉक्स है जो हमें इस कॉम्बो के साथ मिलता है। ज़ेब्रोनिक्स H61 चिपसेट का ये मदरबोर्ड है जो सपोर्ट करता है इंटेल के 2nd और 3rd जनरेशन के प्रोसेसर्स को। इस कॉम्बो में हमें इंटेल का 3rd जनरेशन i5-3470 प्रोसेसर मिल जाता है। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर एक छोटा सा स्कैम है। अमेज़ॉन प्रोडक्ट पेज पर हमें इंटेल i5-3470 at 2.90 GHz बताया गया है। यह एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि i5-3470 2.90 GHz नहीं बल्कि 3.20 GHz पर चलता है, और i5-3470S जो है वो 2.90 GHz की स्पीड पर रन करता है। मतलब कि इस कॉम्बो में हमें इंटेल i5-3470S ही मिलने वाला है, और मुझे भी यही मिला है। दरअसल ये एक बस छोटी सी मार्केटिंग ट्रिक है, बट या i5-3470 थोड़ा फास्टर एंड बेटर है i5-3470S से। तो अगर आप i5-3470 समझ कर ये कॉम्बो खरीद रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आपको इसमें i5-3470S ही मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से इसे कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने इस पर विंडोज 10 भी इंस्टॉल कर लिया है और अपना सिस्टम बूट भी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, SSD की वजह से बूट टाइम काफ़ी फास्ट है। खैर दोस्तों, मैंने यहाँ एक प्रॉब्लम नोटिस की है, वो है इसके CPU फैन को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ैन काफ़ी नॉइज़ी है। जनरली स्टॉक फैंस इतनी नॉइज़ नहीं क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है कि फ़ैन में कोई इश्यू हो, बट ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए भैया जी, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है इस पर। CPU-Z चलाकर हम इसका हार्डवेयर वेरीफाई कर लेते हैं। दोस्तों, इंटेल i5-3470S एट 2.90 GHz वाला प्रोसेसर मिल जाता है हमको, जो करंटली 3.4-3.5 GHz पर चल रहा है। वेल, दैट्स गुड। मदरबोर्ड हमें H61 चिपसेट का मिल जाता है, जिस पर 8+4GB DDR3 RAM इंस्टॉल्ड है। 4GB RAM हमारे पास एक्स्ट्रा थी, सो मैंने इस पर इंस्टॉल कर दी है। अब आखिर में सिंगल और मल्टी थ्रेड बेंचमार्क्स भी कर लेते हैं। वेल, काफ़ी डिसेंट रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। ओवरऑल दोस्तों, 10,000 में एक वैल्यू फॉर मनी कॉम्बो है। मैं इस सिस्टम को लास्ट मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। इस कॉम्बो का कंप्लीट PC बिल्ड और गेमिंग टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए। अगर आपको ये कॉम्बो पसंद आया हो तो आप इसके लिंक और डिटेल्स वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करिएगा। चैनल पर नए हो और मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो भैया जी सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए जी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।